बॉलीवुड के लिए 2023 एक्सपेरिमेंट्स और कुछ तूफानी करने का साल रहा है। इस साल बिग स्क्रीन्स पर 90s के एरा का स्वाद लोगों को चखने मिला। उस डेकेड के कई स्टेपल एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने 2023 में अपना मोमेंटस कमबैक किया और 90s के टच के साथ कंटेम्प्रेरी सिनेमैटिक सेंसिबिलिटीज के जरिए हर किसी को न सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी गदर मचा दी। और इस स्टोरी में हम उन्हीं एक्टर्स और फिल्म मेकर्स पर डालेंगे एक नजर। नो डाउट इसकी स्टार्ट तो शाहरुख खान से ही होगी, जिनके नाम रहा ये पूरा साल, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ आनंद की स्पाई थ्रिलर पठान के साथ ये ईयर स्टार्ट किया, जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 534 करोड़ की कमाई की। इसके बाद आई SRK की अटली डायरेक्टेड क्राइम थ्रिलर जवान और इस फिल्म ने इंडिया में 640 करोड़ का शानदार कलेक्शन जुटाया। फिर साल के आखिर में डंकी आई, ये शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी के कोलैबोरेशन की फर्स्ट फिल्म है। SRK ने टाइगर में एक कैमियो भी किया, जहां सलमान खान और उन्हें स्क्रीन्स पर साथ देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं था। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज सनी देओल। 65 के सनी देओल ने इस साल गदर 2 में अपने जबरदस्त एक्शन से मचा दी धूम। ये फिल्म 2001 में आई क्लासिक गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल है। इस फिल्म को थिएटर्स में ऑडियंस ने खूब पसंद किया और फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 525 करोड़ किए कलेक्ट। साथ ही बॉबी देओल, जो अब एज लॉर्ड बॉबी जाने जाने लगे हैं, उन्हें भी एनिमल में अपनी एक्टिंग के लिए अप्रिसिएशन मिली और इस क्राइम थ्रिलर ने कमाए 531 करोड़। वैसे 90s के जमाने में अपनी ट्रेडमार्क मसाला एक्शन मूवीज के साथ रूल करने वाले मशहूर साउथ सुपरस्टार रजनीकांत मेड येट अनदर कमबैक दिस ईयर विद नेल्सन दिलीप कुमार्स एक्शन कॉमेडी जेलर। इसने सभी लैंग्वेजेस में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 408 करोड़ कमाए। 25 साल पहले 1998 में कल्ट रोमांटिक कॉमेडी कुछ कुछ होता है के साथ डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले केजो ने 2023 में एक बार फिर डायरेक्टर्स की हैट पहनी और रॉकी और रानी के प्रेम कहानी जैसी एक ब्लॉकबस्टर दी, विच मेड 150 करोड़ एट द डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस। वेल, ये लिस्ट विधु विनोद चोपड़ा के जिक्र के बिना अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इस साल अपनी स्मॉल बजट फिल्म 12 फेल के साथ उन्होंने वाकई कमाल किया। इट स्टार्ड विक्रांत मैसी एज अ सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट और 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस नंबर से एक मिसाल कायम की और 60 करोड़ का कलेक्शन कर गई।